चालू हुआ सो गाइस so माइक चालू नहीं था शायद राइट नो वॉइस ओके ग्रेट चलिए सो जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स वेलकम टू यूपी पीसीएस वाला सो so गाइस करंट अफेयर्स की करंट का झटका सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है बंदन है और अभिनंदन है मैं अमन कुमार नामदेव आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 20 दिसंबर से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें राइट right? चलिए करंट अफेयर की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले चलो इसके पहले मैं आपको बता देता हूं ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है अमन नामदेव सर के नाम से यहां पर इस टेलीग्राम चैनल पर आप पूरे के पूरे स्लाइड्स को पीपीटीज को पा सकते हैं इज दिस वेरी मच क्लियर गाइस राइट तो जो भी पीपीटीज हैं यहां पर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी तो यू कैन ज्वाइन ऑन दिस चैनल गाइस ये यूपी के करेंट अफेयर से रिलेटेड है चलिए अब हम लोग बात करते हैं वॉट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन टूडेज क्लास राइट तो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं मैं फटाफट -फड़ बता देता हूँ आप लोगों को आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो आप लोगों ने स्टार होटल्स के बारे में सुना होगा फोर स्टार थ्री स्टार टू स्टार फाइव स्टार होटल राइट अब इसका क्लासिफिकेशन चेंज हो गया है तो होटल क्लासिफिकेशन के बारे में इन यूपी ठीक है उत्तर प्रदेश में ये चेंज करा गया है पूरे भारत में नहीं हुआ है फिर हम बात करते हैं जी मैया कुलसुम के बारे में कुलसुम जी के बारे में इन्होंने क्लाइमेट चेंज काफी तगड़ा योगदान दिया है जी क्लाइमेट चेंज में राइट right? तो इनके बारे में गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है ये हाल ही में वो हम लोग गाइस पढ़ने वाले हैं फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन डे के बारे में डे राइट right? जो एनर्जी होती है ठीक है उसको कंजर्व कैसे कराया जाता है जैसे सोलर एनर्जी हो गया राइट right? इन सारी एनर्जीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट right? फिर कुछ प्रमुख आज की ही खबरें हैं जो यूपी कैबिनेट है यूपी कैबिनेट है वो एक बंदे की प्लान को मान गई है कमेटी को अमिताभ कांत कमेटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कांत कमेटी ये काय से संबंधित है ये भी हम लोग गाइस देखने वाले हैं राइट इसके अलावा हम लोग जो है जी आ, कुछ क्लाइमेट चेंज से संबंधित और पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज सफर इनिशिएटिव क्या है तो सफर राइट ये सफर क्या है ये हम लोग गाइस डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ठीके? फिर हम लोग हाल ही में एक इम्पीचमेंट हुआ है जिसको बोलते हैं महाभियोग क्या बोलते हैं गाइस महाभियोग राइट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट किसका हुआ है तो किस प्रेसिडेंट का हुआ है ये भी हम लोग गाइस डिस्कस करने वाले हैं राइट इसके अलावा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी साइक्लोन जैस्कर अभी एक बवंडर आया है साइक्लोन आया है जैस्पर नाम से एसी चालू करवा देना साइक्लोन जैस्पर बवंडर आ रखा है जी राइट तो उसके बारे में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर हम लोग जो है जी एक नई वर्ल्ड सेंचुरी लॉन्च हुई है जिसका नाम है कजू वैली ए जेड यू वीई एल आई बर्ड सेंचुरी कजू वैली सेंचुरी इसके बारे में देन वी विल टॉक अबाउट दी जाफना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जाफना इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस उसके अलावा कैबिनेट ने अभी नया एयरपोर्ट मतलब जो सूरत का एयरपोर्ट था उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया है तो सूरत एयरपोर्ट तो उसमें क्या खास बात है क्या चीजें हैं वो सब हम लोग आइए डिस्कस करेंगे उसके अलावा आ, अभी हम लोगों ने आईएनएस तरमुगली करके लॉन्च करा है आई एन एस इंडियन नेवल सिख तरमुगली राइट तो ये हम लोग गाइस पढ़ने वाले हैं आईएनएस तरमुगली के बारे में राइट तो ये भी हम लोग न्यूज़ देखेंगे उसके अलावा मध्य प्रदेश ने अभी कुछ कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करे हैं मध्य प्रदेश में अभी सरकार चेंज हुई है चीफ मिनिस्टर हाल ही में चेंज हुए हैं तो पहले शिवराज जी थे अभी हाल ही में कौन है आप लोगों को बताना है आप लोगों को आंसर देना आई एम नॉट गोइंग टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन राइट तो ये भी आप लोग बताइए ने हाल ही में एक फ्लाइट का ट्रायल करा है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने तो उसके बारे में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉट ओनली दैट कुछ अवार्ड्स मिले हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज हम लोग गाइस देखने वाले हैं उसके अलावा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी इक्वालिटी अवार्ड इक्वालिटी अवार्ड ठीक है ये भी जो है दो हजार तेईस का मिला है इसको हम लोग गाइस डिस्कस करने वाले हैं देन कुछ क्वेश्चन है ठीक है एंड स्पीडी का कुछ पोर्शन है वो भी हम लोग गाइस डिस्कस करने वाले हैं तो आज की क्लास में हम लोग गाइस इतनी सारी चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं इज दिस वेरी मच क्लियर गाइस बताइए डाउट डाउट हियर हियर बताइए एनी डाउट हियर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं गाइस जल्दी फटाफट बताइए हाँ जी नहीं है कोई डाउट ठीक है तो मैं इस तरह से आपको रेगुलर बेसिस पे इसके अलावा भी काफी सारी न्यूज है ठीक है लेकिन अभी जो मेजर न्यूज थी मैंने आपको मेन मेन न्यूज बता दिया है ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं राइट छत्तीसगढ़ में विष्णु देवसाई वो वेरी गुड वेरी गुड चलिए स्टार्ट करते हैं एमपी में मोहन यादव जी है चलो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स को तो यहां पर अगर आप देखते हैं ठीक है कई बच्चों का अभी उन्होंने पीएससी के का एग्जाम्स दे रखे हैं कई बच्चों ने एग्जाम्स दिए हर बार उनके दिमाग में आता है कि सर रेगुलर बेसिस पे पढ़ना बड़ा टफ काम है है कि नहीं है सो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग डू नॉट लेट योर मूड ओवर पावर स्टडी रूटीन ठीक है मूड हमेशा चेंज होते रहते हैं आई नो वेरी वेल स्विंग आता रहता है अपनी लाइफ में राइट दुष्यंत कुमार की एक कविता है क्या कविता है जी

देखो पहले क्या होता था फाइव स्टार फोर स्टार थ्री स्टार टू स्टार वन स्टार इस तरह से क्लासिफिकेशन कराया जाता था राइट लेकिन अब क्या कर दिया गया है इसको जो है ना जी बदल दिया गया है इन कैटेगरीज को बदल दिया गया है, और कैटेगरीज का नाम क्या कर दिया है? जी प्लेटिनम होटल राइट डायमंड होटल गोल्ड होटल सिल्वर होटल और ब्रोंस होटल अब आप लोग बताइए कि आप लोग कौन सी होटल में रुकना पसंद करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जी यस नो पीएम पर क्यों नहीं किया बताया था मैंने अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा ठीक है अंकित जयसवाल जी कल की अगर आपने क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था है है कि नहीं जी चलो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे पांच कैटेगरीज की बात करी गई है तो न्यू सिस्टम होटल्स एंड होटल इन उत्तर प्रदेश विल नाउ बी क्लासिफाइड अंडर दी फाइव कैटेगरीज पांच कैटेगरी में क्लासिफाई करा गया जिनमें से पहला प्लेटिनम फिर डायमंड फिर गोल्ड सिल्वर फिर ब्रोन्स राइट तो कौन से वाले में तुम लोगों को रुकना है वो तुम लोग बता दो भाई कमेंट बॉक्स में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बस इतना ही क्लासिफिकेशन था राइट right. अब देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है जी माहिया कुलसुम करके एक व्यक्ति है ठीक है ये महिला है राइट right? और ये बहुत ही मतलब यंग क्लाइमेट एंतुजियार है वो भी कहां से जी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से याद रखना है अपने उत्तर प्रदेश की नारी है वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ से एक युवा जलवायु उत्साही है मतलब हम बोलेंगे क्लाइमेट एंथुजियास्ट है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत है समय के साथ जो प्रकोप देखने को मिल रहा है ठीक है जिस तरह से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं गलत है राइट क्योंकि ये आने वाले समय में क्या करेगा जी सी टेम्परेचर को ठीक है जो क्लाइमेट के टेम्परेचर को राइस करेगा ग्लेशियर्स पिघलेंगे समुद्र का जो पानी है उसका क्या होगा जी डेप्थ जो है जी वो जो बोलेंगे ना वो वो क्या होगा बढ़ना चालू हो जाएगा राइट तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यंग क्लाइमेट एंड पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ है ठीक है एंड अमंग दी फोर यूथ डेलीगेट्स राइट कुछ चार जो है यूथ डेलीगेट्स जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कहाप ट्वेंटी एट समिट दुबई में तो उनमें से एक जो है वो ये है ये आपको बस याद रखना है इज दिस वेरी मच क्लियर जी बताइए ठीक है शिल्पी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा आपके कमेंट्स भी देखे शिल्पी जी आपके कमेंट्स भी देखे ठीक है आप सारी क्लासेस देखते हो राइट तो ये हमें याद रखना है तो कॉप ट्वेंटी में जो चार डेलीगेट्स गए थे उसमें से एक थी क्या नाम था जी माहिया कुलसुम बस आपसे ये पूछा जाएगा माहिया कुलसुम से संबंधित है जो तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है एक डेलीगेट थी जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में गई थी कॉप ट्वेंटी एट की कॉन्फ्रेंस में गई थी बस अपन को इतना याद रखना है ठीक है कॉप ट्वेंटी एट की कॉन्फ्रेंस में गई थी चलिए अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइस या प्राइस फॉर पीस डिसमेंट फॉर ट्वेंटी फॉर 2023 अब देखो ये किस किस को मिला है तो दो लोग हैं जिनमें से एक साहब ये दोनों दोनों के म्यूजिशियन है ठीक है म्यूजिशियन है ठीक है जिनमें से एक का नाम है जी बवेम डैनियल ऐसे याद रख लो डैनियल डैनियल बवेन बोएम ठीक है और दूसरे कौन है जी पैलेस्टीन के पीस एक्टिविस्ट है जिसका नाम है जी अबू अवाद. अबू ए डब्ल्यू अबाद ए डी ठीक है तो ये पियानो प्लेयर है म्यूजिशियन है जिसमें से ये जो है 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 पियानो प्लेयर ठीक आप लोगों ने देखा होगा जी म्यूजिशियन है बस इतना अपन को याद रखना है डैनियल एंड अबू जो है ये दोनों के दोनों पियानो प्लेयर हैं राइट तो ज्वाइंटली अवार्ड जो दिया गया है वो अर्जेंटीना के हैं पियानिस्ट एंड कंडक्टर दैट इज डैनियल वाइन जॉइन एंड पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट दैट इज अली अबू अबाद फॉर दे आर एफर्ट्स टू ब्रिंग टुगेदर यूथ ऑफ वेस्ट एशिया अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट राइट right? तो इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे लोगों की जान गई है ना तो उस बीच में म्यूजिक के थ्रू लोगों को इंस्पायर करने का काम जो करा है

और इंटरनेशनल जूरी के द्वारा ये जो है चूज करा गया है इन दोनों के बारे में बस अपन को इतना याद रखना है ठीक है दोनों के दोनों म्यूजिशियन है बस इतना याद रखना है फिर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत कि भाई ये कब चालू करा गया था देखो हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब साहिबा थी इंदिरा गांधी जी उनके नाम पे ये चालू करा गया था कब चालू करा गया था 1986 में याद रखना है सबसे पहले 1986 में ये चालू करा गया था अब इसमें पैसा मतलब मॉनिटरी अवार्ड कितने रुपए का दिया जाता था ट्वेंटी पच्चीस लाख रुपए का अवार्ड मतलब इन दोनों भाइयों को मिल गए पच्चीस राइट right? दोनों को साथ में मिला है तो साढ़े बारह साढ़े बारह लाख रुपए जो है इन्होंने काट लिए होंगे इज दिस वेरी साढ़े बारह साढ़े बारह लाख रुपए इन्होंने काट लिए होंगे ठीक है एक दूसरे को दे दिए होंगे तीन कैटेगरी में दिया जाता है नाम में क्या लिखा हुआ है जी पीस मतलब शांति ठीक है दूसरा क्या है डिसआर्मेंट मतलब आप देखेंगे जो शस्त्र का इस्तेमाल करा जा रहा है उसको कम करना है खत्म कर देना है राइट और तीसरा क्या है जी डेवलपमेंट जिसको बोलेंगे विकास तो विकास के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है अवार्ड राइट कब चालू हुआ एटी सिक्स में चालू हुआ कितने रुपए दिए जाते हैं पच्चीस लाख ,00 रुपए दिए जाते हैं और वही साइटेशन दिया जाता है साथ में ये जो आपको साइटेशन देखने को मिल रहा है ये भी दे दिया जाता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया का एक अच्छा अवार्ड है बड़ा अवार्ड है इंदिरा गांधी के नाम पे अवार्ड है हाल ही में मिला हुआ है तो हो सकता है आर ओ ए आरो के एग्जाम में आप लोगों से ये पूछ लिया जाए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग राइट चौदह दिसंबर को सेलिब्रेट कराया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में जो चौदह दिसंबर है गाइस ये जो है सेलिब्रेट कराया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में तो यहां पर आप देखेंगे नेशनल एनर्जी जो कंजर्वेशन डे है हर दिन वो सॉरी हर साल चौदह दिसंबर को सेलिब्रेट कराया जाता है इट मार्क टू डेमोस्ट्रेट राइट याद रखना है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है ठीक है वो जो है ना इसके बारे में बताती है और ये कब से चल रहा है जी 1991 से 1991 से अब बीई क्या है बीई दैट इज ब्यूरो में काम करती है एनर्जी को बचाने के क्षेत्र में क्लियर है री मच क्लियर गाइस एंड डाउट टेयर चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं अब मेरा कोशिश ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी समाप्त करा जाए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो को ना खींचा जाए ठीक है जितना जल्दी हो सके हम लोग current अफेयर्स को खत्म करेंगे ठीक है क्योंकि अब आप लोगों के पास भी टाइम कम है ठीक है दस दस मिनट भी कीमती है तो पचास मिनट में हम लोग समअप करने की कोशिश करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है अब जैसे देखिए ये जो है न्यूज आ रखी है अब इससे बस इतना पूछा जाएगा आप लोगों से कि हाल ही में एक कमेटी बनी थी और वो कमेटी बनी है किस पे जी कमेटी किस पे बनी है जी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेगुलेशन पे ठीक है और ये कमेटी उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली नोएडा के लिए बनी है और पूरे इंडिया में भी लागू होगी और अभी तो फिलहाल में यूपी में तो बहुत ज्यादा मतलब तेज तरीके से लागू होगी तो ये आपसे पूछे जा सकता है राइट कि भाई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रेगुलेटरी जो कमेटी है रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है ये आप लोग जानते हैं ना जितना भी बड़े बड़े घर बनते हैं मकान बनते हैं कॉलोनीज बनती हैं बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ठीक है ठीके? मकानों की बिक्री होती है तो ये होती है रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स रेगुलेशन की एक कमेटी बनी है अब ये किसके नाम पर बनी है जी तो इसके जो मेन अध्यक्ष वो है अमिताभ कांत कमेटी अमिताभ कांत कमेटी अमिताभ कांत कमेटी ऑन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेगुलेशन हाल ही में बनी है आज ही न्यूज सुबह सुबह की ताजा खबर है इसलिए मैंने कहा कि आपको बता देता हूँ ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है और इन्होंने रिकमेंडेशन यही दी कि लाइक ऑफ द रिपोर्ट हैज बीन अप्रूव बाई दैबिनेट टू दिस 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 इमीडिएट पोजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ होम बायर्स एंड प्रोवाइडिंग जीरो पीरियड रिलीफ टू होम वायर फ्रॉम अप्रैल वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू कोई हमसे मतलब वो सब नहीं पूछा जाएगा कि इस कमेटी ने क्या बातें बोली है लेकिन हमसे बस इतने जरूर पूछा जाएगा कि रियल इस्टेट से संबंधित एक कमेटी बनी है ठीक है उसका नाम क्या है बस आपको इतना याद रखना है क्लियर है जी बिल्कुल मैं करा दूंगा अभी अगले संडे में एक मैराथन रखने वाला हूँ आर ओ ए आर ओ के लिए डोंट वरी शिल्पी वाजपेयी जी चलिए अब ये हो गया अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है जी या ये जो अमिताभ कंत साहब है ये जो अमिताभ कान साहब है ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है राइट तो ये फॉर्मर सीईओ भी रहे नीति आयोग के नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है फटाफट बता दीजिए और नीति आयोग आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन एवरी वन वॉचिंग इट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट भर दीजिए ठीक है कि नीति आयोग कब बन के तैयार हुआ था कब बन के तैयार हुआ था और किसको हटा के किसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना था ये भी आप बताइए मोदी जी बस आए ही आए थे और याद रखना है जी नीति आयोग मोदी ने आते ही बना दिया था ठीक है अब कौन सा दिन था कौन सी तारीख थी कौन सा साल था ये भी लिखना है आपको और किसको रिप्लेस करके ये बनाया गया है ये भी लिखना है और ये भी बताइए कि क्या नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है ये भी आप लोग प्लीज बताइएगा जरूर ठीक है आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन एवरी वन प्लीज जो बाद में भी देख रहे हैं सीसेट की क्लास के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं जी नीति आयोग के तो थे ही फिर जी ट्वेंटी के शेरपा भी थे जी ट्वेंटी समिट हुई थी ना जिसका नाम बदल के अभी G21 हो गया है अफ्रीकन यूनियन अभी हाल ही में जुड़ा है अफ्रीकन यूनियन ठीक है तो ये शेरपा भी थे ठीक है शेरपा भी भी थे तो ये भी आपको याद रखना अमिताभ कांत वॉज दी शेरपा ऑफ जी ट्वेंटी ऑल्सो राइट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ अब देखिए यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि एक एक मतलब एक छोटा सा मतलब एक आर्टिकल काइंड ऑफ आ रखा है जी ठीक है जो ये बोलता है कहता है कि विंटर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तो इसको हम क्या करना है ना हम लोगों को जो पॉल्यूशन करने वाली फसल होती है ना उनके वेस्ट को हमें एनर्जी में तब्दील कर देना चाहिए ठीक है एनर्जी में तब्दील कर देना चाहिए ठीक है अब देखिए इसके लिए क्या है जी ये सब बातें किसने बोली है जी एक डायरेक्टर है डायरेक्टर है, के. है सफर के अब आप कहेंगे कि ये सफर क्या है गाइस सफर के डायरेक्टर है आप कहेंगे कि सर ये सफर क्या है सफर देखो सफर का फुल फॉर्म आप लिख लो एस इट इज लिख लो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ एयर क्वालिटी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च एस इट इज लिखना है हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो एस इट इज आपको लिखना है इस ठीक है एस इट इज लिखना है राइट तो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर वेदर याद रखना है वेदर फोकास्टिंग रिसर्च फोकास्टिंग रिसर्च रिसर्च ठीक है ये हमें याद रखना है लिख लो आप फटाफट यस एवरी वन प्लीज प्लीज राइट डाउन ठीक है सफर का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग अब देखो इन्होंने काफी सारी चीजों पे बात कर रखी है अब हमने ये सब बातें कर रखी हैं तो इसलिए अपन लोग इस पे बात नहीं करते सफर पे ठीक है चलो छोड़ो हाँ सफर के बारे में मेन मेन चीज और देख लेते हैं जैसे ये कब लॉन्च हुआ था 2010 में लॉन्च हुआ था ठीक है नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है जिसने ये लॉन्च करा था अर्थ साइंस की मंत्रालय है ठीक है इसका फुल फॉर्म क्या है जी तो वो भी आप लोग लिख लीजिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखो जो आने वाले समय में जितने भी सिटीज है जिनमें पॉल्यूशन जो है बढ़ता चला जा रहा है पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हेयर ऑब्जेक्टिव इज टू इवेलुएट द लेवल ऑफ पॉल्यूशन राइट जो पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है उसको इवेल्युएट करना ठीक है ऊपर नीचे ऊपर नीचे मतलब जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना इज दिस वेरी मच क्लियर उसको कंट्रोल करना वेल्यूएट द लेवल ऑफ पॉल्यूट पॉल्यूशन इन द सिटीज एज वेल एज लोकल एयर क्वालिटी वन मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन द साइज ऑफ द मेट्रोपोलिटन एरिया ऑल्सो राइट तो ये हम लोग याद रखना है हम लोगों को याद रखना है इज दिस वेरी मच क्लियर गाइस तो सफर के बारे में जो मेजर चीज थी जो आपके यूबीपीसी के एग्जाम में करंट अफेयर में पूछ सकता है वो यही है कि भाई सफर का फुल फॉर्म क्या है कब लॉन्च हुआ था ठीक है कौन से मंत्रालय से संबंधित है ठीक है और इसका मेन काम क्या है तो ये वैल्यूएट करता है ये बताता है कि किस शहर में कितना ज्यादा पॉल्यूशन है और उसको कैसे कंट्रोल कर लेना चाहिए उस शहर के अनुसार दिस इज वेरी मच क्लियर बिल्कुल आपने सही जवाब दिया जी यस सर जब तक इस वेस्ट को आ, इंसेंटिव सरकार नहीं देगी तब तक ये ऐसा ही रहेगा बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं जैसे पंजाब और हरियाणा की पराली की समस्या है बिल्कुल सही बोल रहे हैं अभिषेक त्रिपाठी जी यू आर एब्सल्यूटली राइट राइट चलिए बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ तो देखो हाल ही में अभी इंपीचमेंट हुआ है जिसको बोलते हैं महाभियोग क्या बोलते हैं जी महाभियोग अब ये किसका इंपीचमेंट होने की प्रोसेस चालू हो गई है और वो भी आप देखेंगे वन ऑफ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलप्ड कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो विडेन साहब जे ओ ई -E, बाइडेन ठीक है तो उनकी इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुई है बस इतना अपन को याद रखना है इम्पीचमेंट हुआ नहीं है महाभियोग हुआ नहीं है याद रखना कि किसी का भी रिमूवल होता है ना रिमूवल मतलब कोई भी बड़े व्यक्ति का बड़ा व्यक्ति इन द सेंस प्रीमियर ऑफ ए कंट्री उसको कहा जाता है इंपीचमेंट हम लोग भी अपने प्रेसिडेंट के रिमूवल को हम लोग इंपीचमेंट के रूप में बोलते हैं लेकिन विडेंस आप जो है उनका इंपीचमेंट का एक प्रोसेस बस चालू हुआ है

राइट, हमारे कौन से आर्टिकल के तहत ये जो है इम्पीचमेंट चालू होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी अमेरिका सदन ने बुधवार को भाई राष्ट्रपति जो बाइडन के विरुद्ध महाभियोग चलाने के लिए जांच को मंजूरी दे दी है ठीक है ये डेमोक्रेट के नेता के विरुद्ध ठीक है और ये डेमोक्रेट

रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कौन से अनुच्छेद में आता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इनका जो रिमूवल है ये कौन से अनुच्छेद में आता है आर्टिकल में आता है ये भी आप लोग प्लीज बताइए यस आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट आल्सो ठीक है याद रखना राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल कराया जाता है ठीक है क्योंकि रिमूवल वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है गलत है अच्छा नहीं है ठीक है ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज की तो उसको हटाने के लिए डायरेक्ट वर्ड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बोल दिया जाता है रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस भी बोल दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ये जो वर्ड है शब्द है महाभियोग का इस्तेमाल करा जाता है ओके वेरी गुड सारे बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है जी अजीत वर्मा ने राहुजू ने ओनली मिशन टारगेट साहब ने वेरी गुड गाइस राइट अंकित जयसवाल जी पूजा यादव सुमन वर्मा सब बच्चों ने आंसर दिया वेरी गुड राइट आर्टिकल वन राइट चलिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ तो यहां पर आप देखें अभी हाल ही में एक बवंडर साइक्लोन आया है साइक्लोन का नाम क्या है जैसपर साइक्लोन का नाम क्या है जी जैसपर लिख लो आप लोग जैसपर अब ये भवंडर ये जो साइक्लोन है ठीक है ये तूफान जो है कहां पर आया है तो ये आया है जी ऑस्ट्रेलिया में लिख लो आप लोग ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में आया है ठीक है काफी सारे लोगों को ये प्रभावित करा है और ऑस्ट्रेलिया के भी जो स्टेट है उसमें से भी एक स्टेट का नाम है क्विंसलैंड क्वींसलैंड स्टेट ठीक है क्वींसलैंड स्टेट में आ रखा है जी ठीक है कैटेगरी टू का स्ट्रॉम है है ना वो सब चीजें छोड़ दो आप बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि साइक्लोन जैसपर आया है ठीक है अच्छा ये जो साइक्लोन है किस तरीके का साइक्लोन है जी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है ट्रॉपिकल साइक्लोन है यह हमें याद रखना है ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन है

ठीक है ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है स्पेसिफिकली इस रीजन पे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं ठीक है कभी ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तब हम और डेप्थ में बताएंगे लेकिन इसके ऊपर वाला जो रीजन होता है जैसा ये वाला जो थोड़ा सा अपन बात करें ऊपर वाला हेमोस्फियर हो गया यहां पर जनरली टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं और ये जो बीच में आता है ये होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन ये हमें याद रखना है इज दिस वेरी मच क्लियर गाइस ठीक है तो ये दोनों की दोनों की चीजें आप लोग याद रखिएगा अच्छा अब आप एक चीज और बताइए कि इसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम होता है जैसे कि अगर हम बात करें सी में तो आप कहेंगे सर ये सी कौन सा वाला रीजन है तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला रीजन है उसके बीच में जो एरिया है उसको हम बोल देते हैं सी पनामा जिस जगह पर है ठीक है तो ये वाला जो रीजन है ना ये है सी राइट यहां पर आप देख सकते हो तो ये सी वाला रीजन है ठीक है अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा इस रीजन में जो साइक्लोन आता है ठीक है तो उसको क्या बोला जाता है तो उस साइक्लोन को बोला जाता है हरिकेन क्या बोला जाता है सी में फटाफट करीबियन सी में साइक्लोन्स आते हैं उसको क्या बोला जाता है हरिकेन्स कहा जाता है ठीक है हरिकेन्स कहा जाता है ये आपको याद रखना है क्लियर है ठीक है नेक्स्ट हम बात करें जी अच्छा करीबियन सी के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत जान भी लेते हैं ऊपर वाला जो रीजन है ना ये हो गया नॉर्थ अमेरिका ठीक है नॉर्थ अमेरिका ठीक है ये अपने आप में एक अलग कॉन्टिनेंट है और नीचे वाला पोर्सन है ये बेनेजोला ये निकारका गुआ सी जस्ट नीचे वाला करीबियन सी से नीचे वाला ये हो गया अपना साउथ अमेरिका राइट या फिर लेटिन अमेरिका भी इसको बोल देते हैं खैर साउथ अमेरिका याद रखना साउथ अमेरिका ही बोला जाता है ठीक है अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक जगह पे देखने को मिल जाता है इस रीजन को बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ ऑफ मैक्सिको ठीक है मैक्सिको की खाड़ी याद रखना है मैक्सिको की खाड़ी बोल देते हैं ठीक है थीके, फिर यहां पर काफी सारे छोटे छोटे कंट्रीज है आईलैंड कंट्रीज हैं यहां पर आप देखेंगे जैसे हो गया क्यूबा ठीक है देखो मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों को मैपिंग भी करवा रहा हूं मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से धीरे धीरे पर डे जैसे कल हम लोगों ने एक पल का जीना डांस करके बताया था ना मैंने किस तरह से याद आ रहा है तुम लोगों को तो ऐसे ही आज भी याद रखो ठीक है तो जो भी मैपिंग पर डे में थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत वोड़ करवाऊंगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको वर्ल्ड लेवल की पूरी मैपिंग क्लियर हो जाएगी जो भी चीज़ न्यूज में रहेगी ठीक है कंट्रीज कहाँ पर मौजूद है ये भी क्लियर हो जाएगा चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यूबा करके कंट्री हो गई ठीक है यहाँ पे एक और छोटी कंट्री है जिसका नाम है प्यूटो रिको रिको प्यूठो रिको प्यूठो रिको फिर आप देखेंगे नीचे जो तेल है तेल निर्यात जिससे अभी हमने हाल ही में चालू करा है ठीक है वो है बेनेजुएला। तो ये आप देख पा रहे हैं ये है है बेनेजुएला। ठीक बेनेजोला जो करीबियन सी से टच कर रहा होता है राइट इसी के पास में और दो तीन कंट्री है जैसे हो गया गुआना गुआना इसके नीचे एक और कंट्री है जिसका नाम है सूरीनाम क्या नाम है सूरीनाम राइट सूरीनाम हो गया फिर आप देखेंगे और भी कंट्री जैसे गौतमाला गोथे माला फिर आप देखेंगे इसी के नीचे और कंट्री दैट इज निकार का गुआ क्या हो गया इस निकार का गुआ राइट माला हो गया निकार का गुआ हो गया फिर आप देखेंगे और नीचे कोलंबिया कोलंबिया राइट अच्छा ये बताओ कोलंबो किसकी राजधानी है और कोलंबिया और कोलंबो दोनों में अंतर क्या है ये भी बताओ जरा तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कोलंबिया कोलंबिया इक्वाडोर इक्वाडोर ई सी यू ए डी ओ आर ठीक है कोलंबिया इक्वाडोर ये हमें याद रखना है और पेरू भी है राइट यहाँ पर पेरूवियन करेंट है इवन ये भी बताइएगा इस येस शिल्पी सर आर ओ रिवेच में आपने ज्योग्राफी क्लास नहीं ली हमें बहुत वेट कर रहे थे आपकी क्लास का पढ़ेंगे तो मिलेगा ज्योग्राफी आपसे अच्छा अरे यार बात ये है ना कि शायद कोई और पढ़ा रहा है वहाँ पे आई थिंक सो राइट मेरे पास टाइम की काफ़ी कमी है मेरे को करंट अफेयर्स में काफ़ी टाइम लगता है सिल्पी जी आई जस्ट वॉन्ट टू टीच इट जोग्राफी में पढ़ाना चाहता हूँ ठीक है जैसे मैं एमपी के बैचेस में सक्षम बैचेस में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ एमपी मध्य प्रदेश में भी ठीक है जो मेंस रिलेटेड है और फाउंडेशनल बैच है राइट बट बात मान लो मैं क्या हो रहा है जी कोलंबो श्रीलंका का और के बात क्या हो रहा है ना मेरे को जैसे आप खुद से बताइए आप लोगों को मैराथन भी चाहिए ठीक है आपको करेंट अफेयर्स भी चाहिए तो इट टेक्स टाइम ठीक है ये इतना आसान नहीं है किसी में आपको बताऊंगा कि इसमें कितना टाइम लगता है एक एक फोटो लगाना चीजें लगाना तो टाइम नहीं मिल पाता है ठीक है और उसके लिए भी हमें चाहिए क्या टाइम राइट तो दैट इज द मेन रीजन कि मैं नहीं ले पा रहा हूं बट अब जो है रेगुलर बेसिस पे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे वेबसाइट वो कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग सीरीज पे मैं काम करूं और आप लोगों तक लेकर आऊं ठीक है जो, जो जोग्राफी से रिलेटेड हो इज दिस वेरी मच क्लियर तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है मेरा तो खुद पढ़ाने का मन करता है चलिए ये हम लोगों ने देखा गाइस गोटे माला हो गया निकार का गुआ हो गया नीचे पेरू हो गया अच्छा ये बताओ पैरुवियन जो करंट है वो कोल्ड करंट है या वार्म करंट है ये भी बताओ पेरुवियन करेंट। जो पेरुवियन करंट है आप लोगों ने सुना होगा होगा ना पढ़ा के बारे में ठीक है कई सारे समुद्र पे कई सारे करेंट चलते हैं फ्लो करते हैं राइट तो ये कोल्ड है या फिर वार्म है राइट ये हमें बस इतना याद रखना है तो पेरुवियन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा ठीक है बताइएगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन कई सारे बच्चे देखते हैं लेकिन आंसर नहीं करते चलिए ये तो हो ही गया अब देखिए कैरिबियन सी में हरिकेन बोला जाता है ठीक है अगर हम बात करें चाइना में और चाइना सी आस के आसपास के एरिया में तो यहां पर इसको क्या बोला जाता है टाइफून क्या बोला जाता है टाइफून हमें याद रखना है फिर इंडियन ओशन में जो है डायरेक्टली हम लोग क्या बोल देते हैं जी बवंडर ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं स्टॉम बोल देते हैं राइट ये हमें याद रखना है जी क्या बोलते हैं जी ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं क्या बोल देते हैं इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या बोल देते हैं गाइस ट्रॉपिकल साइक्लोन राइट ट्रॉपिकल साइक्लोन जापान की बात करीए तो जापान में इसको और नए नाम से आने जाता है तेफू ए आई नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इसको विली, विली के नाम से आने जाता है -I -L -L -I -E विली -विली के नाम से तो ऑस्ट्रेलिया में इसको विली बिलीज के नाम से आने जाता है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको हल्के मत लीजिएगा अलग अलग पीसीएस में चाहे वो एमपी का हो यूपी का हो चाहे वो बिहार का हो इवन यूपीएससी में तक इस पर क्वेश्चन आए हैं साइक्लोन्स के अलग अलग नाम पे ठीक है मैच द कॉलम में जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में विली विलीस कहा जाता है फिलीपींस में क्या कहा जाता है तो फिलीपींस में बी ए जी यू आई ओ वेगओ कहा जाता है क्या कहा जाता है वेग्यूओ बी ए जी यू आई ओ जनरली ये हर जगह पे नहीं मिलता है बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फिलीपींस में वैग्यू कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है बी ए जी यू आई ओ वेगुओ ठीक है फिर आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है टॉर्नेडो टॉर्नाडो इसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राइट right? क्या कहा जाता है याद रखना है क्या बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है ये भी हमें याद रखना है करीबियन सी में हरिकेंस चाइना सी में टाइफून इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन जापान में टैफू नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज Willi फिलीपींस में वगुओ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टॉर्नेडो ये हमें याद रखना है ठीक है यहां पे यूएसए में टॉर्नेडो कहा जाता है ठीक है अब हाल ही में कौन सा साइक्लोन हिट हुआ है जी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर तो वो है 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 जैस्पर जैस्पर बस इतना याद रखना ठीक ये हमें बस याद रखना है ठीक है ठीक है बस दैट्स ऑल इज दिस वेरी मच क्लियर फटाफट लिख लीजिए आप लोग फटाफट फ़ड़ लिख लीजिए यस पूनम जी लिख लीजिए हाँ जी कोलंबिया की राजधानी क्या है जी बोगोटा हां जी Bogota है क्या हाँ बिल्कुल बोगोटा है ठीक है बिल्कुल ना? तो ना फिर अभी हम लोग अभी मैं, आ, कुछ पे भी काम करूंगा, तो वो आप लोगों के लिए काफी है। जैसे मैं आने वाले समय में ये भी सोच रहा हूं आप लोग बताइएगा जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ठीक है इस तरीके के टॉपिक्स कवर करूंगा इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ इंडिया राइट इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ होल इंडिया ठीक है एशिया की प्रमुख लोकेशन ठीक है इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया मतलब इस तरीके की मैं सीरीज लाने का सोच रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए ठीक है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए उसको हम लेकर आने चाह रहे हैं लाना चाह रहे हैं और पूरा ट्रिक से याद करवाऊंगा आई विल फोकस ऑन रेट्टाफिकेशन ऑल्सो ठीक है तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं स्ट्रिक इस, इस चीज पे जरूर काम करूंगा यूट्यूब पर लेकर आऊंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा है ना जी याद नहीं होता ना जो चीजें वो मैं याद करवाऊंगा पूरा का पूरा ठीक है ये हो गया ये तो याद हो गया देखो इसको भी आप भूलेंगे नहीं जैसे आप देखो करीबियन सी अब ट्रिक से याद करना है तो करीबियन सी में आप देखेंगे हरी केन्स आते हैं ठीक है तो ऐसे याद रख लो जी कड़ी लेने <laughs> कैरिबियन को ऐसे याद रख लो कड़ी लेने, लेने करी लेने करी होता है ना जैसे आप लोग कड़ी खाते हो कड़ी खाते हैं कि नहीं खाते आप लोग राइट तो कड़ी लेने कौन आते हैं जी हरी आते हैं केन लेके क्या si. बीन की सब्जी लेने के लिए हरी आते हैं si. जी. जी टाइफून ठीक है टाइफून तो चाइनीज लोग बहुत डिसिप्लिन रहते हैं ठीक है वो फोन लगाते वक्त क्या करते हैं टाई पहन लेते हैं मतलब इतने डिसिप्लिन रहते हैं उनके पास टाइम नहीं रहता तो इस तरह से याद रख लो आप लोग ठीक है टाइफून तो फ़ोन लगाते वक्त फ़ोन लगाते वक्त मेरे पिया ने किया टेलीफोन कहा ऐसे करके वो है ना मेरे पिया ने करा टेलीफोन तुम्हारी याद सताती दी करके गाना भी है राइट तो फ़ोन लगाते टाई पहनते वक्त ठीक है इस तरह से कुछ करके याद रख लो चीनी लोग ठीक है फिर ऐसे ही इंडियन ओशन याद रहेगा जापान ठीक है टैफू ठीक है जापान थीके? थीके? का क्या है जी टैफू ठीक है टोफू करके आता है ना पनीर का एक अल्टरनेटिव आता है तो उस तरह से आप याद रख सकते हो तोफू जापान का तोफू जब भाई पान खा ले और तोफू खा ले तोफू करके एक एक डिश होती है बहुत अच्छा होता है वो प्रोटीन रिच होता है सोयाबीन का बनता है जो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाते वो तोफू खाते हैं ठीक है तो वो गया तोफू ऐसे करके फिलीपींस तो फिलीपींस बगुओ है ना कुछ भी करके यूएसए का अगर याद रहेगा कुछ भी करके आप लोग याद जरूर कर लिया करिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं एक नई बर्ड सेंचुरी लॉन्च हुई है ठीक है यहां पर लॉन्च किया हुई है मतलब इस तरह से आप याद रखिए कई सारी स्पीसीज है ना माइग्रेटरी वर्ड ठीक है वो यहां पर आए हैं प्रवासी पक्षी है जिनको कहा जाता है, है तो प्रवासी पक्षी की कई सारी प्रजातियां जो है ना जी यहां पर आई है बस अपन को इतना याद रखना है अब कौन कौन से हैं तो यहां पे आप देखें मेनी स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी वर्ड स्टार्टेड अराइविंग फ्रॉम साइबेरिया नॉर्थ अफ्रीका यूरोप एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालय राइट यहां पर आप देखें right? देखे कि कई सारे स्पीसीज है माइग्रेटरी वर्ड के जिनको बोलते प्रवासी पक्षी ठीक है वो कहां से आ रहे हैं साइबेरिया से नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप से एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालय पे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ठीक है अब इनका नाम क्या है तो यूरेशियन कर ल्यू जैसे आप देखेंगे ना यहां पे कौन कौन है जी नाम क्या है जी तो यूरेशियन कर ल्यू ठीक है कर ल्यू ठीक है ये इसका नाम है पहली चीज यूरेशियन कर लियू यूरेशियन मतलब यूरोप एंड एशिया वाला रीजन है वहां पर ठीक है तो हाँ मेरे पिया गए रंगून हाँ बिल्कुल फातिमा नकवी ने बिल्कुल सही लिख दिया है वही है वो गाना वो याद आ गया मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है वाह क्या बात है <laughs> ठीक है यही गाना है वो बिल्कुल सही बोले आप लोग है ना सारी रिवर्स करवा दें बिल्कुल सारी की सारी रिवर्स भी याद करवा देंगे यस सनी राणा जी क्या हाल है जी हेलो जी राइट कौन कौन बच्चे यहाँ पे नए हैं फर्स्ट टाइम आ रखे हैं मेरी क्लास में हाथ उठा लीजिए आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी जो नए बच्चे हैं आई जस्ट वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी राइट चलिए तो यहां पर आप देख लीजिए नए बच्चे याद रखिए कि भैया जिस तरह से आप नए हैं वैसी कई सारी पक्षियां जो है वो भी नई नई हैं और यूरेशिया से इंडिया में आ रखी हैं जी तो यूरेशियन करली हो गया कैस्पियन टर्न हो गया लिटिल रिंगड पैलोवर हो गया एंड यूरेसियन स्पूनवेल हो गया तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर आप देखेंगे जी कुछ नए स्पीसीज मेनी स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी वर्ड स्टार्टेड अराइविंग फ्रॉम साइबेरिया नॉर्थ अफ्रीका यूरोप एंड दुट फुटहिल्स ऑफ द हिमालय दैट टू इन दी कजू वैली बर्ड सेंचुरी अब आप कहेंगे कि सर ये कजू वैली बर्ड सेंचुरी है कहाँ पर इंपॉर्टेंट तो यही है ना जी है ना जी आ, नम्रता गौतम जी नहीं है नम्रता जी को सलाम करते हैं हम नम्रता जी रोज आइए रेगुलर बेसिस पे आइए राइट सनी राणा जी भी नए हैं क्या बात है जी अमित शुक्ला जी भी नए हैं कुलदीप की भी जी भी सेकेंड टाइम अटेंड कर रहे हैं रेगुलर आइएगा है इस राइट दिल, रेगुलर आइए चलिए तो अब हम देखें जी यहाँ पर कजू वैली वेटलैंड कहाँ पर मौजूद है तो ये है तमिलनाडु का कोस्ट राइट तमिलनाडु राइट यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जी पुडुचेरी तमिलनाडु यहां पर आपको देखने को मिल रहा है तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा वेटलैंड राइट कजू वैली वेटलैंड राइट कजू वैली वेटलैंड कजू वैली वेटलैंड आप देख रहे हैं तमिलनाडु का कोस्ट है ठीक है यहाँ पर कजू वैली वेटलैंड देखने को मिल जाएगा तो इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्लोज टू दी मराखानम ऑन द ईस्टर्न कोस्ट रोड कजू वैली वेटलैंड ठीक है तकरीबन छह सौ सत्तर सिक्स सेवेंटी स्क्वायर किलोमीटर में ये बसा हुआ है कितना गाइस 670 स्क्वायर किलोमीटर में ये बसा हुआ है वन ऑफ द मेजर वेटलैंड ऑफ दी कोरोमंडल कोस्ट अब ये जो कोस्ट है ना ये जो कोस्ट है तमिलनाडु वाला कोस्ट है इसको क्या बोला जाता है याद रखना कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है मंडल कोस्ट बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है ये आपको याद रखना है इसको क्या बोला जाता है गाइस कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है क्या बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है क्या बोला जाता है फटाफट फड़ बताओ फिर से बताओ कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है ठीक है कोरोमंडल कोस्ट है अच्छा आपको जो जो वाला कोस्ट है, उसको क्या बोला जाता है जो केरला वाला कोस्ट है आपने देखा होगा ठीक है केरला महाराष्ट्र गोवा वाला कोस्ट है उसको हम लोग बोल देते हैं मालावार कोस्ट ठीक है मालावार कोस्ट राइट तो ये आपको याद रखना है तो ये कोरोमंडल कोस्ट हो गया और अपोजिट साइड में मालावार कोस्ट हो गया ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है तो लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्लोज टू दी मरखानम ऑन द ईस्टर्न कोस्ट रोड कजुवेली वेटलैंड स्प्रेड ओवर एन एक्सपांस ऑफ सिक्स सेवेंटी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कैचमेंट एरिया वन ऑफ द मेजर वेटलैंड ऑन दी कोरोमंडल कोस्ट दैट टू आफ्टर वट पुलिकट लेक आफ्टर पुलिकट लेक अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा और ऊपर चले आओ ना तो यहाँ पर पुलिकट लेक भी मौजूद है ठीक है पुलिकट लेक भी मौजूद है ये भी आपको याद रखना है ठीक है पुलिकट लेक भी मौजूद है ये आपको याद रखना है क्लियर है जी चलिए नेक्स्ट आप देखें लेक इज कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल बाय क्रीक एंड दी वो सब छोड़ दो कोई खास नहीं है जी यहाँ पे काफी सारे वर्ड्स आते हैं बस इतना आपको याद रखना है ठीक है तो एक बार हिंदी में भी आप लोग चाहें तो एक बार रीड कर लीजिए फटाफट यस जस्ट रीड इट राइट अमित पांडे जी भी नए हैं अमित पांडे जी को भी नमस्कार पांडे जी रोज आया करिए जी पांडे जी रोज आया करिए जी 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 लेक लेक ओके यस एनी डाउट टेल सर आप एप्लीकेशन पर नहीं आते हैं क्या एप्लीकेशन पे आते हैं लेकिन दूसरी जगह पे अभी पढ़ा रहा हूँ ना मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया है आपके एप्लीकेशन पर ठीक है और दूसरी जगह पे जैसे फॉर एग्जांपल अभी एमपी एग्जाम्स वाला में मैं पढ़ा रहा हूँ वहां के पेरियडेस में तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम को लेकर कंसर्न रहता है ठीक है ये आपको याद रखना है क्लियर है चलिए आएंगे अभी हम लोग ठीक है एप्लीकेशन पर भी आएंगे चलिए फिर हम बात करते हैं जाफना इंटरनेशनल सिनेमा फेस्टिवल राइट अब ये देखो जाफना कहां का है जी जाफना श्रीलंका बस इतना याद रख लो श्रीलंका बस फिल्म फेस्टिवल चालू हुआ है कोई खास नहीं है इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है इसलिए छोड़ देना अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव करा डिक्लेरेशन ऑफ सूरत एयरपोर्ट एज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो जो सूरत एयरपोर्ट है सूरत कहां पर है सूरत गुजरात ठीक है जो सूरत एयरपोर्ट है इसको हाल ही में डिक्लेयर करा गया है एस एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर सूरत एयरपोर्ट एस एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे स्ट्रेटेजिक मूव प्रोमिस टू अनलॉक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक पोटेंशियल इसलिए करा गया क्योंकि देखो सूरत जो है ना वो अपने आप में बहुत बड़ी लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंटरनेशनल प्लेयर्स में सूरत का एक बड़ा दबदबा है सूरत इज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से ये कनेक्टेड है ठीक है काफी सारी इंडस्ट्रीज भी यहां पे देखने को मिलती है अर्थव्यवस्था की लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो सूरत का बहुत बड़ा नाम है जी राइट तो ये हमें याद रखना है दैट्स right? in ऑल राइट की प्लेयर इन द इंटरनेशनल एविएशन लैंडस्केप एंड फोस्टरिंग द न्यू एरा ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉर द रीजन ठीक है एलिवेटिंग सूरत एयरपोर्ट टू इंटरनेशनल स्टेटस इज परमाउंट फॉर एनहांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एंड डिप्लोमेटिक टाइल ऑल्सो राइट ये हमें याद रखना है क्लियर है जी तो एलिवेट करना सूरत के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफी ज्यादा वृद्धि होगी दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट राइट गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सरकार ने किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया तो वो है सूरत एयरपोर्ट कल मैंने आपको उत्तर प्रदेश के सारे एयरपोर्ट्स के बारे में बताया था है ना टोटल एयरपोर्ट्स के बारे में भी बताया था आप ये बताइए आप लोग कल मैंने आपको याद करवाया था उत्तर प्रदेश में टोटल एयरपोर्ट कितने हैं जी और उसके अलावा उसके अलावा गाइस ये भी बताइए आप लोग कि उत्तर प्रदेश के अलावा यूपी के अलावा इंडिया के टोटल एयरपोर्ट कितने हैं एयरपोर्ट कितने हैं इंडिया के टोटल एयरपोर्ट कितने हैं ये भी हमें याद रखना है क्लियर है जी चलिए ठीक है इंपॉर्टेंट यस आगे बढ़े हम लोग राइट नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ तो यहां पर आप देखेंगे फास्ट अटैक क्राफ्ट बनाया गया फास्ट अटैक क्राफ्ट क्राफ्ट राइट यहां पर आप देखेंगे ये जो है एक बड़ा सा नाव है ठीक है तो यहाँ पे चल छैया 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 वाला नहीं है मुगली मतलब तो आ गया है ठीक है अब ये जो तरमुगली जो है इसको याद रखना है कमीशन करा गया था नेवी के द्वारा नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कहां पे लॉन्च करा गया था ये नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में और इसको जो है ना जी मालदीव्स को दिया गया था गिवन टू मालदीव कब दिया गया था 2006 में दिया गया था गिवन टू मालदीव इन 2006 राइट बाय इंडिया सिप रिटर्न इन मे दिस ईयर एंड पोस्ट एक्सटेंसिव रिस्टोरेशन वर्क बाय नेवल डॉकयार्ड वॉज डन मतलब इतना याद रखना है कि ये जो सिप था इसकी सफाई करके इसको फिर से सर्विस करके फिर से हम लोगों ने जैसे तैसे करके चालू कराया तो मालडीव को हमने 2006 में दिया था उसके बाद अभी ये फिर से आया भारत में और फिर से इसको सफाई करके ठीक है इसकी हम बोलते हैं सर्विसिंग करके इसकी मशीन पुर्जे जो कल पुर्जे थे खराब हो गए तो उन सबको सही करने के बाद इसको फिर से बनाया गया है तो ये न्यूज में है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई आई एन एस कल मुर्गी जो है वो क्या है तो याद रखना है एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है ठीक है एक सिप है नेवी के द्वारा जो है भारत के द्वारा वो भी नेवल डॉकयार्ड यार्ड जी के द्वारा जो है ये ये बनाया गया था हमें याद रखना है क्लियर है तो एक बार आप रीड करना तो एक बार रीड कर लीजिए कि भारतीय नौसेना ने अच्छा इसकी जो क्लास है वो क्या है जी तो ये याद रखना त्रिंकट क्लास त्रिंकट टी आर आई एन के ए टी त्रिंकट क्लास ये त्रिंकट क्लास का सिप है त्रिकट क्लास का ठीक है कब दिया गया था भारत दो भारत द्वारा दो हज़ार छः में मालदीव नौसेना को दिया गया था ये भी हमें याद रखना है दैट सॉल्व दैट सॉल्व वॉट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस थिंग राइट दैट सॉल्व वॉट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट इट राइट अब इसकी एक खास बात है कि इसमें जो है एडवांस रडार सिस्टम लगा हुआ है इसमें गन्स लगी हुई हैं ठीक है कम्युनिकेशन सिस्टम लेटेस्ट वाला लगा हुआ है तो वही वाली बात है कि हयाभूसा जैसी बाइक जो है जैसे होती है ना हयाभूसा वाली या फरारी ऐसी तो ऐसी इसकी भी काफ़ी सारी क्वालिटीज है तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट इट इन uh, डिटेल बस वो ये आपसे पूछेंगे कि आई एन एस तरमुगली जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है right? राइट तो वो क्यों न्यूज में रहा है तो वो हमें पता होना चाहिए आई एन एस तरमुगली है क्या या तरमुगली न्यूज में है तो ये है क्या तो एक इंडियन नेवल सिप है वॉरशिप है ये हमें याद रखना है दैट्स ऑल वॉट नीड टू रिमेंबर ठीक है अब देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश जो सरकार है उन्होंने सेटअप कराया प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ठीक है मतलब अगर आप देखें तो तकरीबन पूरे मध्य प्रदेश में 570 570 जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं कितने जी फाइव सेवेंटी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ठीक है ठीक है थीके? थीके? अब इन्होंने क्या कराया जी प्रधानमंत्री के नाम पे कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हर जिले में एक एक बनाने की बात करिए ठीक है थीके? हर जिले में एक एक बनाने की बात करिए कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ठीक है और तकरीबन चार करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं ठीक है थीके? आवंटित करे गए हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस डिग्री एंड मार्क्सटीट्स ऑफ द स्टूडेंट जो भी रहेंगी ना वो डिजी लॉकर पे अपलोड करी जाएंगी डिजी लॉकर जी डिजी लॉकर ठीक है आज भी काफ़ी सारे लोग जो है डिजी लॉकर का इस्तेमाल नहीं करते मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा सारे बच्चों से कि एक बार डिजी लॉकर पर जरूर आप लोग जाइए और उसमें भी अपने मार्क्सिट्स को अपनी जो भी चीज़ें हैं उन सबको अपलोड करिए राइट डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पर अपलोड कर दीजिए उसकी वैधता है उसकी मान्यता है कहीं पर भी आप फंस जाते हैं तो उसमें हमेशा अपलोड रहेगा खैर तो ये मैंने आपको बता दिया प्रधानमंत्री गवर्नमेंट विल सेटअप प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस वो, वो सॉरी मध्य प्रदेश मध्यप्रदेश गिल सेटअप प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट राइट ये हमें बस याद रखना है तो ये कहां पर हुआ है कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जा रहे हैं दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर ठीक है फिर हम बात करते हैं डीआरडीओ ने हाल ही में सक्सेसफुली कैरी आउट कराया फ्लाइट ट्रायल ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तो यहां पर आप देख रहे हैं ना जी हाल ही में एक ड्रोन राइट दैट टू एरियल व्हीकल अनमेड जिसमें मानव कोई भी नहीं रहेगा इंसान नहीं रहेगा अनमेंड एरियल व्हीकल जो है ये यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अनमेंड एरियल व्हीकल जो है जी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है ठीक है और इस टेक्नोलॉजी पे काम करा गया है जिस टेक्नोलॉजी का नाम है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर क्या नाम है इस टेक्नोलॉजी का ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ये हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है ठीक है और इसकी खास बात यह है कि ये मतलब बोल सकते हैं बहुत फास्ट चलती है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ठीक है और भी कई सारी चीजें बस आपको ये याद रखना है कि ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर हाल ही में लॉन्च कराया किसके द्वारा करा कराया इसरो के द्वारा या फिर डीआरडीओ के द्वारा या किससे हमने टेक्नोलॉजी लिए कुछ नहीं है इंडीजीनियर से यह हमें याद रखना है दैट्स ऑल वट यू नीड टू रिमेंबर राइट क्लियर है यह हमें याद रखना है अब चलो अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट जो छोड़ो ये दो तीन चीजें छोड़ो अब आप लोग फटाफट -फड़ जो है ना आंसर दो आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू ऑल गाइस दीजिए आंसर यस दीजिए आंसर बाई विच ईयर नेशंस एट कॉप इन दुबई रीज़ लैंडमार्क कंसेंसस फॉर नेट जीरो ये कल की ही न्यूज थी मैंने आपको पढ़ाया भी था यस yes, प्रकृति सैनी जी गुड मॉर्निंग आप लेट क्यों हो गए प्रकृति जी रोज आया करिए रेगुलर आया करिए ऐसे लेट नहीं होना है है ना जी सीटेट हाँ अच्छा सीटेट की आपने करी थी शिल्पी जी ने बढ़िया बढ़िया राइट right? चलिए इसका आंसर फड़ा फड़ा आंसर दीजिए दीजिए। आप लोग दुबई दो हजार साठ तक, 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 या तक? बताइए आंसर। बताइए फटाफट यस yes. याद रखना ये मैंने आपको बताया भी था दो हजार पचास तक इसका आंसर रहेगा दो हजार पचास तक क्लियर है काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है मनी प्राकृति सैनी नीरज गुप्ता जी अचल सैडेड ज्योति है लवासना बाबू बहुत -फड़। आंसर इसका विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड फ्री बस ट्रेवल फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल इन दिसंबर दो हजार तेईस किस राज्य ने दिसंबर 2023 में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश केरला या फिर तेलंगाना बताइए दीजिए आंसर जल्दबाजी में नहीं देना है जल्दबाजी में नहीं देना है फटाफट फड़ सोच समझ के दीजिए आंसर यस ट्राई टू बी आंसर मैन यस मुकेश कुमार रचना साहू पूनम यादव अमित शुक्ला जी दिवाकर जी हां जी सोनू यादव आप भी लेट हो गए जी हाँ जी हम्म अचीवर स्टार अच्छा धन्यवाद जी अचीवर स्टार जी धन्यवाद धन्यवाद बढ़िया ओके दिव्या चौहान जी दिवाकर वर्मा वेरी गुड राइट देखिए काफी सारे बच्चों ने इसमें सही आंसर दिया है इसका आंसर जो है ना जी वो है मध्य प्रदेश वो क्या नाम है सॉरी तेलंगाना इसका आंसर है डी तेलंगाना ठीक है काफी बच्चों ने आंसर दिया और ये मैंने पढ़ाया भी था अंकित जयसवाल कुमार सौरभ मनी अरुणृता काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है आई वॉन्ट लाइक टू अपलॉड ऑल ऑफ यू गाइस लिटिल फाइटर भी हैं अचल भी 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 है अकेला भी है 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 अरसू अकेला सन्नो देवी जी वाह क्या बात चलिए बढ़िया ठीक ये आप लोगों ने ने देख लिया ना तो किस राज्य दिसंबर में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है तो वो है तेलंगाना क्लियर है तेलंगाना आपको याद रखना है जी ठीक है तो अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रिसेंटली लॉन्च फ्री ट्रेवल दैट इज महालक्ष्मी स्कीम अब इस स्कीम का नाम क्या है जी महालक्ष्मी स्कीम ये भी याद रखना महा महालक्ष्मी स्कीम के तहत तेलंगाना में ठीक है ये भी याद रखना है नेक्स्ट इसका आंसर और दीजिए फटाफट यस गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन यस दीजिए आंसर टू इंप्रूव पावर सिस्टम ऑफ विच स्टेट इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड 200 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट बताइए पावर सिस्टम मतलब समझ रहे हैं बिजली में सुधार के लिए बिजली प्रणाली में सुधार के लिए इतना बड़ा मतलब लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है वो भी किस पर्टिकुलर स्टेट का हुआ है बताइए आंसर यस उत्तराखंड उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र एंड बिहार बताइए इसका आंसर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र एंड बिहार बताइए इसका आंसर गाइस ठीक है यहां पर अगर आप देखें ना तो इसका आंसर है उत्तराखंड उत्तराखंड में पावर की कटौती में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको लेकर जी और किसी ने भी आंसर नहीं दिया है जी उत्तराखंड काफी सारे बच्चों ने यूपी और सी महाराष्ट्र दिया है भाई महाराष्ट्र में तो है ही नहीं है और महाराष्ट्र को क्या लोन लेने की जरूरत well है ठीक है बहुत वेल ऑफ स्टेट है महाराष्ट्र आई बात समझ में ठीक है तो ये आप याद रखना उत्तराखंड है इसका आंसर दैट टू इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन करा है ठीक है लोन एग्रीमेंट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ये जो है जी क्या करा गया है देख लो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं मॉडर्नाइज देहरादून सिटीज पावर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर व इंट्रोड्यूसिंग एन एडवांस एंड क्लाइमेट रेजिलेंट अंडरग्राउंड केबल सिस्टम खैर हो गया ये हो गया फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट फड़ इसका भी आंसर दे दीजिए आप लोग दीजिए आंसर यस दी, मैंने ये पढ़ाया भी आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाया है दीजिए आंसर Everyone, try to give answer, man. जल्दी ठीक है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है वो मैंने आपको पढ़ाया भी था क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में अब 2022 का जो रिकॉर्ड ब्यूरो है इसमें आप देखेंगे दो स्टेटमेंट है पहला क्या है क्राइम रेट और क्राइम्स रजिस्टर्ड पर लाख पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड इन 2022 फ्रॉम 2021 ठीक है इस क्या इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है क्या ये इंक्रीज हुआ है पहला वाला आपको सबसे पहले तो यही देखना है दूसरा आप देखेंगे जी यहाँ पे अपराध दर तो हुई गए या प्रति लाख आबादी पर दर्ज अपराध 2021 की तुलना में 2022 में बढ़े हैं क्या या नहीं बढ़े दूसरा आप देखेंगे स्टेटमेंट रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन दो हजार बाईस अब देखो दूसरा वाला अगर आप देखोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है साइबर क्राइम तो धीरे 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 बढ़ते ही चले आ रहे हैं आई बात समझ में साइबर क्राइम तो धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं काफी सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है जी यहां पर अगर आप इसको पढ़ते हैं मैंने डेटा भी बताया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने रिलीज करता है एनुअल रिपोर्ट ठीक है अब इसमें क्या है जी आप देखेंगे जी क्राइम रेट और क्राइम्स रजिस्टर्ड पर लैक पॉपुलेशन ये डिक्लाइन हुए हैं ये कम हुए हैं बड़े नहीं है डिक्लाइन हुए तो बड़े नहीं है मतलब पहला वाला गलत और दूसरा वाला सही है तो दूसरा वाला सही है, तो इसका है, क्या है इसका नहीं है तो भाई ठीक है ओनली टू आपको याद रखना है तो कई बार दोनों के दोनों सही नहीं होते हैं ऐसा नहीं है कि आप दोनों को ही मान है देख लो आप लोग रिपोर्टिंग इन साइबर क्राइम इंक्रीज हुआ है तकरीबन चौबीस लेकिन आप देखिए क्राइम रेट्स जो है वो थोड़े से डिक्रीज हुए हैं बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े से डिक्रीज हुआ है आप देख रहे हैं फोर इन दो से लेकर फोर इन दो इसलिए जो स्टेटमेंट प्रथम है वो क्या है जी इनकरेक्ट है ये आपको याद रखना है चलिए अब हम लोग जो है एस का या फिर एक फैक्चुअल डिटेल वाला जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं तो हाल ही में कौन कौन कहां पर कंपनीज़ के सीईओ बने हुए हैं इनको हम लोग देख लेते हैं राइट जैसे हम बात करें एप्पल के सीईओ एप्पल आप लोग चलाते हैं कितने बच्चे एप्पल का मोबाइल चलाते हैं सर लक्ष्मी वाजपेयी जी बोल रही है सर आप जोग्राफ़ी भी पढ़ा दो पढ़ा देंगे हम यूट्यूब पर कुछ सीरीज़ लेकर आएंगे याद करवाने की ठीक है कोई दिक्कत नहीं है टाइम मिलता है तो हम करवाएंगे ज़रूर ठीक है चलिए लक्ष्मी वाजपेयी जी डोंट वरी ठीक है नाउ वी टॉक वर्ल्ड लीडिंग कंपनी जैसे सीओ की बात करी है तो इसमें अगर आप देखें तो कंपनी एप्पल राइट एप्पल के सीओ कुक साहब क्या नाम गाइस टिम कुक टिम कुक ठीक है अब इसको कैसे याद रखना है ठीक है एप्पल है खाने की चीज है तो उसको आप चाहें तो कुक भी कर सकते हैं तो ऐसे कहा याद रखना तुम कुक करो ऐसे करके याद रख सकते हो एप्पल फोन कंपनी है तो टिम कुक 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 भी कर सकते हो ऐसे आप याद रखो जैसे आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हुआ जी माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला अब ये इंडियन ओरिजिन है इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए एंड आई थिंक एवरी वन नो अबाउट इट राइट तो सत्या नडेला सत्या अब भारतीय व्यक्ति है सत्य बोलते हैं ठीक है थीके? इसलिए इनको माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ बना के रखा हुआ है ये आपको याद रखना नडेला फिर हम बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीरम ये जो है ना फार्मा की बहुत बड़ी कंपनी है ठीक है वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल लेवल की बहुत बड़ी कंपनी है और इसके हेड कौन है जी अदार वाला लिख लो आप लोग पूना वाला ऐसे याद रख लो कि पहले जो है जी पूना में रहते थे तो जैसे हम फिजिक्स वाले ऐसे पूना वाला है तो पूना वाला जो गए सीरम इंस्टीट्यूट में गए ठीक है पूना वाला गए जी सीरम इंस्टीट्यूट में गए तो सीरम इंस्टीट्यूट में जाने वाले व्यक्ति बन गए पूना वाला तो ऐसे याद रखो देखो चार ऑप्शन में से याद आना चाहिए तो आधार पूना वाला बस इतना आपको याद रखना है आधार पूना वाला ये हमें याद रखना है आधार पूना वाला ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं जी टाटा सन्स एंड टाटा ट्रस्ट तो टाटा सन्स एंड टाटा ट्रस्ट में चंद्रशेखर शर्मा जी सिद्धार्थ एंड चंद्रशेखरन तो एन चंद्रशेखरन जो है वो टाटा सन्स टाटा ट्रस्ट के आप देखेंगे जी मेन सीईओ हैं तो टाटा सन्स के चंद्रशेखरन है अब देखो टाटा सन्स अब देखो टाटा की क्या खास बात है जी बिल्कुल चंदा की तरह आज भी आप देख रहे हैं चमक रहा है चम, चंदा तो नहीं चमकता बट द थिंग इज दैट ऐसे याद रख लो चंद्रशेखर क्लियर है चंद्रशेखर साहब जो है टाटा में हेड कर रहे हैं ठीक है और सिद्धार्थ सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ आप लोगों ने सुना होगा जी है कि नहीं है जी बुद्ध ठीक है तो ऐसे करो सिद्धार्थ शर्मा भी आप लोग याद रख लो एक बार पढ़ लो बस टेस्ला के सीएफओ कौन है जी इंडिया में तो वैभव तनेजा साहब तो टी से टेस्ला टी से तनेजा टी से टेस्ला टी से तनेजा बस एक बार देख लीजिए आप लोग बस एक बार रीड कर लीजिए दैट्स ऑल ठीक है टीसीएस के कौन है जो कीर्ति वासन साहब है टीसीएस के कौन है जी कीर्ति वासन साहब हो गए इंफोसिस के कौन है सलील पारिक सलील पारिक इंफोसिस के कौन है गाइस सलील पारिक साहब फिर तो तो हम बात करते हैं अल्फाबेट या गूगल राइट वेरी इंपॉर्टेंट बहुत मतलब फेमस पर्सनैलिटी राइट फ्रॉम आई आई टी सुंदर पिचई साहब सुंदर पिचई साहब जो है जी अल्फाबेट गूगल के आप देखेंगे जी लीडिंग कंपनी के ये सीओ है ठीक है सी ओ ऑफ गूगल अल्फाबेट कंपनी अल्फाबेट जो इसकी पेरेंट कंपनी है मतलब मेन कंपनी जो है ना गूगल की भी वो अल्फाबेट ही है ये हमें याद रखना है तो इन्फोसिस सलील पारिक हो गए अल्फाबेट के आप देखेंगे सुंदर पिचई साहब हो गए तो ये मैंने आपको वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज कंपनीज के बारे में बताया और उनके सीईओ कौन कौन है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है राइट तो आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं फिर से लिखना हो तो फिर से लिख लो अब देखो मास्टर कार्ड भी लिखा हुआ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया अब जैसे ससट टीवी है तो उत्पल कुमार सिंह जो है सनसट टीवी के सीईओ है उत्पल कुमार सिंह सनसद टीवी के सीईओ है यह हमें याद रखना है इज दिस वेरी मच क्लियर गाइस ठीक है तो ये मैंने आप बताया अब देखो कल भी हम लोग जो है ना कुछ और कंपनीज़ के बारे में पढ़ेंगे गाइस कल भी जो है हम लोग कुछ और कंपनीज़ के बारे में पढ़ेंगे आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया आज मैंने पूरी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ जो भी प्रमुख खबरें हैं वो बताई उसके अलावा इंडियन न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ हम लोगों ने देखा कुछ मैपिंग भी देखी कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करें इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइए देखो मेरे को मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जरूर लाइव आए सी सेट की क्लास जैसे ही खत्म होता है सुबह नौ बजे की क्लास को ना छोड़ना है ठीक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या और नया कर सकते हैं क्या मेरे को ज्योग्राफी पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए ठीक है यूट्यूब पर यह भी आप बताइए ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स को मेरे को पढ़ाना चाहिए जिनकी आपको बहुत ज़्यादा नीड है जिसको आप याद करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल रिवर सिस्टम्स हो गए इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया हो गए इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एंड पीक्स हो गए मतलब इन सबको हम लोग रट मारेंगे बिल्कुल रट मारेंगे तो क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा अगर टाइम मिलता है तो फिर मैं